दोस्तों ये वीडियो लगभग 5 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 उपाय, आसान सा एकदम छोटा छोटा उपाय जो आप अपना सकते हैं। उस उपाय को अपनाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में शायद ही बीमार पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा मैं नहीं, ये हमारे देश का आयुर्वेद ग्रंथ बता रहे हैं। दोस्तों हमारे देश के महर्षि भागवत, महर्षि चरक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने हेल्थ सिस्टम पर बहुत रिसर्च किया उस समय में, और उस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, आपके सर में दर्द नहीं होगा, आपके छाती में जलन नहीं होगा, आपको भोजन पचेगा, आपके घुटने में दर्द नहीं होगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, इत्यादि ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लगभग 48 तरह की बीमारियाँ होती हैं जो सिर्फ इस 4 नियम को अपनाने के बाद आपको कभी नहीं होगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों पहला नियम है भोजन करते समय या भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि लोग भोजन करते टाइम पानी पीते हैं और भोजन करने के उपरांत भी 1 से 2 गिलास पानी पीते हैं, घटक घटक के पीते हैं। दोस्तों ये नियम बहुत ही गलत है, इस नियम को आप आज से ही बंद कर दें। पता क्या दोस्तों, जब आप भोजन करते रहते हैं आपके पेट में अग्नि प्रज्वलित होती है जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है, और जब आप भोजन करते टाइम या भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो अग्नि जो है जठराग्नि वो बंद हो जाती है। दोस्तों आपका भोजन जो का त्यों रह जाता है वो पचता नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ता है, और जब वो भोजन सड़ता है दोस्तों तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी, छाती में जलन, आपको कॉन्स्टिपेशन, तरह तरह की बीमारियाँ होती है। अगला नियम है दोस्तों, कभी भी आप अपने लाइफ में ठंडा पानी न पिए। ठंडा पानी से तात्पर्य है दोस्तों फ्रिज का पानी जो 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, वो पानी आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिए। क्योंकि दोस्तों आपके पेट का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों फ्रिज का जो पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम। जब आप इस पानी को अपने पेट में डालते हैं तो सोचिए आपके पेट को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी उस पानी को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए। इसलिए फ्रिज का पानी या ठंडा पानी एकदम अवॉइड करें। हो सके तो आप गर्मी के समय में मटके का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और दोस्तों तीसरा नियम की बात करें तो इस नियम में आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। दोस्तों आज के समय में लोग बेड पर ही चाय ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, और चाय कॉफ़ी पीने के बाद टॉयलेट जाते हैं। दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ होने वाला है। इससे आपको पेट आपका साफ नहीं होगा, आपको गैस बनेगी ही बनेगी, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी छाती में जलन हो सकता है। दोस्तों सुबह उठते ही आप सबसे पहले पानी का सेवन करें। इससे होता क्या है कि आपके मुंह में जो लार होता है वो लार पानी के साथ आपके पेट में मिक्स होता है और आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, इससे आपका पेट साफ होता है। चौथा नियम है दोस्तों, आप जब भी भोजन करें तो उसको बहुत बढ़िया ढंग से चबा कर खाएं। दोस्तों जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे दांत 32 होते हैं, उस प्रकार से हमारे भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। हो सके तो इससे ज़्यादा चबाने की आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। भोजन जब छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाता है उसका अच्छे से डाइजेशन होता है। अगर आप भोजन करते समय उसको चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट एक दो बार ऐसे इधर उधर करके अंदर डाल लेते हैं, तो वो भोजन आपका पचता नहीं है, वो धीरे धीरे पेट में सड़ता है, और सड़ने के कारण आपके पेट में बदहजमी, पेट फूलना, पेट में दर्द, और इतना ही नहीं इसी से आपको किडनी स्टोन, आपके पेट में दर्द, तरह तरह की बीमारियां आपको होता है। तो दोस्तों ये था आपके ज़िंदगी के लिए 4 नियम जिसे आप आज से ही फॉलो करें। यकीन मानिए आप 7 दिन करके देखिए, आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, आपको कब्ज नहीं होगा, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, आपके छाती में जलन नहीं होगा, और आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट रहेगा, आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, उस वीडियो को आप देख पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।